हेलो एवरीवन, मेरा नाम अविनाश झा है। मैं मोहब्बत के ऊपर पुस्तारी लिखता हूँ। सबसे पहले मैं अपने पापा के ऊपर सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। आज बरतो पुरानी एक कहानी याद आई है। मुझे बचपन में मिली हुई कुछ निशानी याद आई है, मेरी हर छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले पापा की जवानी याद आई है। सुनिएगा, मैं अभी नया नया आशिक हूँ तो देखना आप। वो अपने प्यार को कुछ इस तरह जताया करते हैं, कभी मुझे सताया करते हैं तो कभी मनाया करते हैं। मैंने तो इश्क की दुनिया में बस अभी कदम रखा ही है। वो मेरी उंगली पकड़ कर मुझे चलना सिखाया करते हैं। लो दिलिये मेरा तुम रखना संभाल कर, दे रहा हूँ इसे मैं जिस्म से निकाल कर। ये तेरे सिवागर नाम ले और का, तोड़ देना इसे तुम पत्थर उछाल कर। लिखा है कि वो पूछते हैं कि मैं आपके लिए क्या हूँ, तो मैंने चार लाइन लिखी है। तुमने आप कि मेरे हर एक सवाल के जवाब हो आप, जिसे देख कर नशा हो जाए वो शराब हो आप। माना कि बहुत सारे गुलाब हैं इस दुनिया में, मगर मेरे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत गुलाब हो आप। और एक है जो दुनिया की सच्चाई है कि सपने चाहे जितने भी खूबसूरत हो, नींद खुलने पर अक्सर वो टूट जाया करते हैं। जो साथ देते हैं हमेशा जिंदगी में, वक्त आने पर वो भी पीछे छूट जाया करते हैं। और आजकल की मोहब्बत की इस मतलबी दुनिया में जिन्हें हम चाहते हैं जान से भी ज़्यादा, वो शख्स अक्सर हमसे रूठ जाया करते हैं। कि हर रोज़ एक नई कहानी यहाँ सुनाते हैं लोग, कभी अच्छा तो कभी बुरा यहाँ सब कुछ दिखाते हैं लोग। और अपने जख्मों को जरा छुपा कर ही रखना, क्योंकि यहाँ जख्मों पे अक्सर नमक लगाते हैं लोग। और एक तुना मैंने अपनी मम्मी के लिए लिखा था, खास करके वो लोग जिनकी माँ छोड़ चुकी है, जिनकी माँ नहीं है ज़िंदगी में, वो सुनना। कभी रास्ता कभी मंजिल तो कभी सहारा चाहिए। मैं डूब रहा हूँ, मुझे तो बस किनारा चाहिए। और कोई नहीं है अपना यहाँ सब मतलब की आ रही है। खुद से ज़्यादा प्यार करने वाली माँ मुझे दोबारा चाहिए। थैंक यू।